हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी अपकमिंग बाइक्स के बारे में। एंड ये 125 सीसी ऐसे बाइक है ना जो आपको 207 की बाइक से भी कंपेयर किया जा सकता है। इवन आज के डेट पे इंडियन टूलर मार्केट बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है, जहाँ पर हर एक ब्रांड चाहता है उनकी बेस्ट बाइक को इंडिया में सेल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जरूरत है ऐसे बाइक जहाँ पर 55 केएमपीएल की माइलेज मिल सकता है। इवन टॉप स्पीड बहुत ही बढ़िया से देखने को मिल जाएगा। एंड आज के डेट पे भाई लुक्स बहुत मैटर करता है। तो ऐसे ही टॉप 5 125 सीसी बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो इंडियन ट्विलर मार्केट पे लॉन्च होने जा रहे हैं। आप भी अगर बाइक लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आता है QARK केप 125 सीसी की बाइक। यानी इंडियन ट्विलर मार्केट पे डेफिनेटली लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ये जो बाइक है ना ये ऑलरेडी बांग्लादेश मार्केट पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड इस बाइक के अंदर जो माइलेज है, स्पेसिफिकेशन एंड टॉप स्पीड आता है ना, जिसके कारण लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। प्राइसेस के बारे में अगर बात किया जाए तो 140,000 तक इसकी ऑन रोड प्राइस जा सकता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो स्पेसिफिकेशन आता है ना वो काफी फ्यूचरिस्टिक है। जैसे कि पावर एंड इंजन की अगर बात किया जाए, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 बल्ब की इंजन आपको मिल जाता है इस बाइक के अंदर, जहाँ पर लिक्विड कूलिंग की सपोर्ट आता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स की ऑप्शन आता है। इवन इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड जो ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर है ना वो एडजस्टेबल है टीवीएस अपाची आर्टर 164B की तरह। पावर की अगर बात किया जाए तो 13 bhp पावर के साथ 12.9 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिल जाता है। 10 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आता है। इस बाइक के अंदर आपको 55 केएमपीएल तक माइलेज मिल जाता है दोस्तों। फ्रंट पर आपको 186 की टायर मिल जाता है, रियर पर आपको 130x76 की टायर ऑफर किया गया है। ड्यूल डिस्क ब्रेक तो मिलता है बट प्राइस काफी कम रखा जा रहा है, जिसके कारण सिंगल चैनल ईबीएस का ही ऑप्शन आता है। बाइक की फ्रंट पर आप लोग सस्पेंशन नोटिस कर सकते हो, जो गोल्डन कलर के साथ ही आपको इंडियन ट्विलर मार्केट पर भी लॉन्च किया जाएगा। इस बाइक के अंदर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप अपनी फोन को भी चार्ज कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया मुझे लगा इस बाइक की जो मीटर कंसोल है ना वो फुल्ली डिजिटल के साथ आपको ऑफर किया जा रहा है, जहाँ पर स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स यानी कि ब्लूटूथ नेविगेशन की ऑप्शन तो होगा ही होगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर और जो बेसिक फीचर्स आता है वो सारे ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड इस बाइक के अंदर फ्रंट पर आपको एलईडी हेडलैम्प मिलता है, रियर पर एलईडी टेल लैंप, एलईडी इंडिकेटर। इवन आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करते हो कि जो हिट लैंप है ना KTM ड्यूक 390 की तरह दिखता है। नंबर 2 पर आता है हक्सबर्ना विटविलियन 125 सेगमेंट की बाइक। इंडियन टूलर मार्केट पे हक्सबर्ना उतनी ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी जो 250 सेगमेंट की वर्जन था ना लोगों को उतना ज्यादा नहीं पसंद आया, इसकी प्राइस भी काफी हाई रखा गया था। बट हक्सबर्ना अब इंडियन टूलर मार्केट पे 125 सेगमेंट की बाइक को लॉन्च करने जा रहा है। एंड ये ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है, 2023 की मिड तक आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर KTM ड्यूक 125 की जो इंजन स्पेसिफिकेशन है सेम इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ ही इस बाइक को भी लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं ओवरऑल प्राइसेस एंड लुक्स के बारे में। ऑन रोड प्राइस की अगर बात किया जाए तो इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है 1,55,000, तो 1,80,000 तक इसकी ऑन रोड प्राइस जा सकता है। अभी तो आपको KTM ड्यूक 125 से कम ही मिल रहा है, बट इस बाइक के अंदर जो स्पेसिफिकेशन होगा सेम आपको ड्यूक 125 से रिलेट कर पाएगा। फ्रंट पर 110x76 की टायर, ड्यूल चैनल ABS के ऑप्शन होगा, फ्रंट पर UST सस्पेंशन की आएगा 300mm डिस्प्लेट के साथ, रियर पर 150x66 की टायर आपको ऑफर किया जाएगा, रियर पर 230mm डिस्प्लेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि बाइक की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन भी अच्छा दिया जा रहा है। फ्रंट पर राउंड सेप टाइप की हिट लैम होगा, बाइक के अंदर जो इंजन एंड स्पेसिफिकेशन है ना सेम टू सेम आपको KTM ड्यूक 125 की तरह ही देखने को मिल जाता है। वही सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल बेस्ड इंजन जो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आ रहा है। एंड इस बाइक की जो टॉप स्पीड हो सकता है 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होगा, जहां पर आपको 55 केएमपीएल तक माइलेज इजीली मिल जाएगा दोस्तों। एंड इस बाइक के अंदर फ्यूल टैंक की बात किया जाए, 2 लीटर की फ्यूल टैंक के साथ ही इंडियन ट्विलर मार्केट पे बाइक को लॉन्च किया जाएगा। नंबर 3 पर आता है यामाहा XSR 125 सेगमेंट की बाइक। इंडियन ट्विलर मार्केट पे यामाहा की बाइक बहुत ज्यादा सेल होता है, इवन लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करता है, बट इनके पास ना 125 सेगमेंट की एक भी बाइक ऐसा नहीं है जो दूसरे बाइक को भाई टक्कर दे पाए। इसीलिए यामाहा इंडियन ट्विलर मार्केट पे XSR 125 को लॉन्च करने जा रहा है। एंड ये ऑफिशियली न्यूज है जो कंफर्म हो चुका है भाई इंडियन ट्विलर मार्केट पे बाइक को लॉन्च किया जाएगा। बात किया जाए प्राइसेस के बारे में, सो 1,20,000 एक शोरूम प्राइस है एंड इसकी ऑन रोड प्राइस 1,45,000 to 50,000 तक जा सकता है। इंजन एंड पावर की अगर बात किया जाए सो इस बाइक के अंदर आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल बेस्ड 6 स्पीड गियरबॉक्स वाला इंजन दिया गया है, जो काम करता है 14.7 bhp पावर एंड 11.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की ओवरऑल
टोटल वेट की अगर बात किया जाए 140 केजी की टोटल वेट होगा 11 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आपको दिया जाएगा इस बाइक को। एंड इस बाइक की अगर माइलेज की बात किया जाए ना तो 55 केएमपीएल तक माइलेज आपको इजिली मिल जाएगा क्योंकि ये काम करता है एफआई टेक्नोलॉजी के साथ। एंड इस बाइक की फ्रंट पर आपको यूएसटी सस्पेंशन ऑफर किया जाएगा, राउंड शेप टाइप की हेड लैंप होगा, इंडिकेटर आपको एलईडी के साथ मिलने वाला है, रियर पर टेल लैंप आपको एलईडी के साथ ही मिलेगा, 180 सेक्शन की फ्रंट टायर, रियर पर 140/70 सेक्शन की टायर, ड्यूल डिस्क ब्रेक तो होगा बट सिंगल चैनल एबीएस के साथ। इस बाइक के अंदर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन आएगा एंड जो मीटर कंसोल है वो आपको राउंड शेप टाइप की देखने को मिल जाएगा, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल जहां पर स्मार्ट कनेक्टिविटी की फीचर्स भाई नहीं होगा बट बाकी जो चीजें होता है जैसे कि गियर पोजीशन, इंडिकेटर और जो बेसिक फीचर्स आता है वो सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है दोस्तों। नंबर 4 पर आता है होंडा सीवी 125। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लोग बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा है इस बाइक के लिए क्योंकि 125 सीसी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन मिलता है ना वो दूसरे 200 सेगमेंट की बाइक के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इवन बांग्लादेश मार्केट पे बाइक बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो बात करते हैं प्राइसेस के बारे में, 110,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस लगभग 150,000 तक जा सकता है क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन आता है ना वो KTM ड्यूक 125 से बिल्कुल सेम टू सेम होता है दोस्तों। जैसे कि इस बाइक की फ्रंट टायर है 110/70 सेक्शन की, रियर पर आपको सुपर वाइड 150/60 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाता है, ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ होंडा ये क्लेम कर रहा है कि ड्यूल चैनल एबीएस का भी ऑफर किया जाएगा, फ्रंट पर 41mm की यूएसडी सस्पेंशन यानी कि 125 सेगमेंट की बाइक है जहां पर सुपर वाइड टायर दिया जा रहा है, 41mm की फ्रंट सस्पेंशन दिया जा रहा है, रियर पर आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक है 10.1 लीटर की दिया जाएगा जहां पर होंडा क्लेम कर रहा है एफआई टेक्नोलॉजी होने के कारण इस बाइक के अंदर आपको लगभग 50 केएमपीएल तक माइलेज भी देखने को मिल जाएगा। इंजन एंड पावर की अगर बात किया जाए, सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 4 वाल्व लिक्विड कूल बेस्ड 6 स्पीड गियरबॉक्स वाला इंजन होगा जहां पर स्लीपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर दोनों का ही ऑप्शन आएगा दोस्तों। पावर की अगर बात किया जाए 14.7 बीएचपी पावर के साथ 11.4 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिल जाता है। मीटर कंसोल की अगर बात किया जाए तो इस बाइक के अंदर आपको टीएफटी स्क्रीन वाला मीटर कंसोल ऑफर किया जाएगा जहां पर गियर पोजीशन, इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स, नेविगेशन के ऑप्शन और भी जो बेसिक फीचर्स होते हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इवन इस बाइक के अंदर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप अपनी फोन को बाइक के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नंबर 5 पर आता है यामाहा एम प्लस 125 सेगमेंट की बाइक। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे एम प्लस एक 155 सेगमेंट की बाइक है जो अपकमिंग पर लगा हुआ है बट बहुत दिनों से ये लॉन्च नहीं हो रहा है सो फिलहाल यामा की ओर से इस बाइक को 125 सीसी के साथ लॉन्च किया जाएगा जो एमटी 125 से पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे ना यामा के पास 125 सेगमेंट की एक भी बाइक नहीं है ऐसा जो दूसरे कंपनी के साथ कंपीट कर पाए जिसके कारण यामा इस बाइक के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड हो रहा है 125 कैटेगरी के अंदर। बात करते हैं इस बाइक की प्राइसेस के बारे में, सो ऑन रोड प्राइस की डायरेक्टली बात अगर किया जाए 1,45,000 तक ऑन रोड प्राइस जा सकता है। एंड स्पेसिफिकेशन की अगर बात किया जाए, फ्रंट पर आपको दोस्तों 180 सेक्शन की टायर ऑफर किया जाएगा, रियर पर आपको दोस्तों 140/70 सेक्शन की टायर आपको देखने को मिल जाएगा, ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल एबीसी इस बाइक आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट पर यूएसटी सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन एंड इसकी जो मीटर कंसोल है ना वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है जैसे कि आपको गियर पोजीशन, इंडिकेटर, स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन, डिस्टेंस टू किलोमीटर जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इंजन एंड पावर की अगर बात किया जाए तो इस बाइक के अंदर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व के साथ ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा जो 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ काम करता है। यहाँ पर इंजन थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर्स 125 सेगमेंट की बाइक। पावर की अगर बात किया जाए तो लगभग 13.5 बीएचपी पावर के साथ 12.5 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है जो ऑयल कूल बेस पे चलता है एंड एफआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसके कारण आपको यहाँ पर लगभग 55 केएमपीएल तक डेफिनेटली माइलेज मिलेगा। एंड टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए तो 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया बेस्ट 125 सीसी बाइक जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे
अपकमिंग पारे, जहां पर आपको लिक्विड कूलिंग की इंजन देखने को मिलता है, 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, फ्रंट पर USD सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोसक सस्पेंशन एंड सुपर वाइड टायर, वो भी 125 सेगमेंट के अंदर। सो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।